गंदा पानी उनमें से होकर नलों में आता है, इस बात की भी ध्यान रखकर व्यवस्था की जाए। धन्यवाद। श्री भागचंद टाकड़ा। सभापति महोदय, टाइगर के पास कालीचरण जी बिना सिक्योरिटी के गए हैं, उनके पास बैठे हैं, कालीचरण जी की सिक्योरिटी की व्यवस्था कराएं, और टाइगर के पास बिना सिक्योरिटी के जाने से आप समझ सकते हो किस प्रकार के हालात बन सकते हैं। श्री भागचंद टाकड़ा, श्री जेठानंद व्यास, सभापति महोदय, आपने मुझे राज्य में पेयजल की स्थिति पर विचार में बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। सभापति महोदय, राजस्थान के इतिहास में ये विधानसभा में महत्वपूर्ण जो पेयजल स्थिति पर विचार हो रहा है, विधानसभा में ये जो सबने विचार रखे हैं, लेकिन मैं सुन रहा हूँ, मैं तो पहले बार आया हूँ यहाँ, पेयजल की बात न होकर और इधर उधर की बात हो रही है, तो यह जो है पूरे प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। सभापति महोदय, मैं बीकानेर से हूँ और बीकानेर में पहले बहुत जल की कमी थी, लेकिन महाराजा गंगा सिंह जी जो है भागीरथ के प्रयासों से गंग नहर आई, यह इलाका पूरा हरा भरा होने लगा। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में चल रहा है जल जीवन मिशन अभियान, जो भागीरथ का एक बहुत बड़ा प्रयास है। यह हर देश के हर क्षेत्र में, हर कोने कोने में, हर घर में पेयजल उपलब्ध करवाने का एक बहुत बड़ा कार्य प्रधानमंत्री जी ने जो शुरू किया है। माननीय सभापति जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूर्व सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी वो एकदम कुप्रबंध था, 40-45% पद रिक्त रहे, और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे क्षेत्र के ही जलदाय मंत्री थे, वो भी अपने क्षेत्र में ANJN नहीं लगा पाए। यहां तक कि मैं आपसे एक और बताना चाहता हूं कि बीकानेर क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया है और वहां ANJN भी लगाया जाए और अलग से अधीक्षण अभियंता का भी कार्य खोला जाए, जिससे कि जल की अच्छी व्यवस्था हो सके। सभापति महोदय, पिछली सरकार ने जो ट्यूबवेल के जो खोले थे, ट्यूबवेल लगाए थे, उन ट्यूबवेल की स्थिति यह कि जहां गुणवत्ता का पानी नहीं है उनको पता है, या उनको पता नहीं, उन्होंने जानकार नहीं की होगी, वहां भी उन्होंने ट्यूबवेल लगा दिए, उन ट्यूबवेल के पानी का आज को उपयोग नहीं है। स्थिति यह है कि जो ट्यूबवेल कहीं तो बंद हो चुके हैं और ऐसे ट्यूबवेल भी खोले गए जहां पर 75 लाख रुपए, मेरे घर के पास में एक ट्यूबवेल बना 75 लाख, मैं कह रहा हूं कि जांच होनी चाहिए कि वहां 75 लाख रुपए लगे हैं क्या आज तक, लेकिन इतना घोटाला मैंने कभी नहीं देखा मेरे जीवन में जो पिछली सरकार में हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां टंकियां नहीं बननी चाहिए वहां इन्होंने टंकियां बनानी शुरू कर दी, और ऐसे तीन स्थान, सुन लीजिए, ऐसे तीन स्थान, तीन टंकियां ऐसी है जो आज भी विवादित में, उनको पता ही नहीं, कहां केवल घोषणा कर दी, उसके लिए कोई स्थान नहीं, लेकिन अभी एक टंकी की मैं आपको बताना चाहता हूं, एक टंकी की जो झगड़ा हमने सलटा है बैठ के और वो शुरू हुई है, अभी भी दो टंकियों की हम व्यवस्था करने हम जा रहे हैं, लेकिन इनको कोई चिंता नहीं थी जनता की, कि जनता के लिए हमें व्यवस्था करनी, केवल घोषणा करके और अपने AC के कमरे में बैठ गए, ऐसे इनके मंत्री और ऐसी सरकार थी कांग्रेस की। आप चिंता मत करो। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि
हमारे क्षेत्र में जो पुरानी पाइप की लाइन है वो इतनी मतलब पुरानी हो गई है कि वो प्राय यानी अवरुद्ध हो जाती है। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि जनता तक पानी पहुंचाने के लिए वो पुरानी जितनी भी लाइन है उनको बदला जाए। यहां तक स्थिति कि वोट के लालच में पिछली सरकार ने उन्हीं लाइनों में से कितनी लाइनें निकाल दी, इसलिए पानी पीछे तक नहीं पहुंच पा रहा था। आज भी स्थिति उन कुप्रबंध जो कुप्रबंध के कारण है, लेकिन मैं आशा करता हूं यह जो यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे भजन लाल जी सरकार आई है वो हर घर तक पानी पहुंचाएगी, यह विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं। भारत माता की जय। श्री सोहनलाल नायक।